काटता तो नहीं। सो गाइस यार यहाँ पर जो रोड है ना एकदम स्मूथ नहीं है, थोड़ा दरदरा टाइप का है, तो मेरे जो स्केट है वाइब्रेट ज्यादा कर रहे हैं। अभी हमारी रेस कर लेते हैं मेरी और अनस की, ये साइकिल से, मैं स्केट से। और यहाँ के जो कुत्ते ना वो बहुत ही बेकार है साले, मेरे गाँव के पीछे नहीं पड़ते, यहाँ के पीछे पड़ जाते हैं, पूरे स्केट की वाट लगने वाली। भाई ये तो मार नहीं रहा, तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हालचाल, आयो क्या सही बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। सो गाइस आज जो है मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में स्केटिंग करने के लिए जा रहा हूँ सिटी के रोड पर। वैसे सिटी मेन एरिया में नहीं जा रहा हूँ लेकिन स्केटिंग करने जरूर से जा रहा हूँ, तो मॉर्निंग में जा रहे हैं, सुबह जॉगिंग के हिसाब से जा रहे हैं। और अनस भी आ रहा है, ये स्केटिंग नहीं करने वाला है, साइकिल से आया हुआ है, लेकिन मैं जरूर स्केट करने वाला हूँ और मेरे फ्रेंड्स को लेकर आया हूँ। तो निकलते हैं अभी, अभी जा रहे हैं, कैसा क्या रोड है वो भी अंदाज़ा हो जाएगा और फिर बाद में जो है कभी डे में जाएंगे पब्लिक रिलेशन लेने के लिए। तो गाइस यार यहाँ पर जो रोड है ना एकदम स्मूथ नहीं है, थोड़ा दरदरा टाइप का है, तो मेरे जो स्केट है वाइब्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा चलाया करेंगे तो आदत होगी। और आगे शायद अच्छा रास्ता है नया बना हुआ है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, चलते हैं थोड़ा स्पीड में। तो गाइस यार अब जाके थोड़ा यहाँ पर अच्छा वाला रास्ता आया है, ये वाला जो रास्ता है वो नया नया बना हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, सही है। यहाँ पर हम थोड़ा रेस वगैरह भी करने वाले हैं, मैं और अनस, कौन जीतता है वो भी देखेंगे। मैं ही जीतने वाला हूँ वो यहाँ से आते तक थकी गया है। और यहाँ के जो कुत्ते ना वो बहुत ही बेकार है साले, मेरे गाँव के पीछे नहीं पड़ते, यहाँ के पीछे पड़ जाते, वो मेरे ऊपर भूखते तेरे ऊपर नहीं भूखेंगे भाई, साइकिल वाला है। चल आगे चल, बदबू आ रही है, थोड़ा आगे से रेस स्टार्ट करने वाले हैं, चल आधे टाइम करेंगे बस। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you will find it. यहाँ पर डिवाइडर आ चुका है, डिवाइडर से हम उस साइड जाएंगे और रिटर्न में जाते हुए जो है हम रेस करने वाले हैं। तो गाइस अनस जो है अभी थोड़ा अगले वाले डिवाइडर पे ला रहा है, उसकी स्कूल के सामने वाला जो डिवाइडर है वहाँ पर ला रहा है, तो ये उसकी स्कूल LG एकेडमी है ना, और ये रहा डिवाइडर, तो यहाँ से हमको जाना है, यूटर्न लेना है, तो लेता हूँ मैं। ये है LG एकेडमी और यहाँ पर अंदर घुसने तो मज़ा आ जाता है यार। अभी हमारी रेस कर लेते हैं मेरी और अनस की, ये साइकिल से, मैं स्केट से। एक बात कहूँ गाइस? नहीं यहाँ से यहाँ तक आने में साइकिल से थक चुका है ये और बोल रहा है कि रेस नहीं कर पाऊंगा। सो गाइस यहाँ पर जो है हल्का सा उतार आ चुका है, तो इधर हम स्केट करते हुए जाने वाला है, और ये अनस की चॉइस है, मतलब ये डाउनहिल में हल्का सा उतार में स्केटिंग करेंगे, तो सोच रहा है कि वो जीत जाएगा लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगा। तो फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आम के पास से, और वहाँ पर एक बोर्ड आता है, वहाँ तक जो है टारगेट रहेगा हमारा, मतलब वहाँ पर जो पहले पहुँचा वो जीत जाएगा, पहुँचने वाला मैं ही हूँ, लेकिन इसको मैं हो सके तो थोड़ी सी ढील दे दूंगा, हल्का सा आगे निकल जान दूँ और फिर जो है मैं स्टार्ट करूँ तो सही रहेगा, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में पीछे रह जाएगा ये, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। थोड़ा रेस्ट ले रहा है ये, और रेस्ट लेने के बाद में फिर चलते हैं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं अभी। तो गाइस इसका जो है रेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी ये रेडी हो चुका है स्केटिंग रेस करने के लिए, तो अभी करते हैं रेस, मैं वाइड एंगल में खोलता हूँ कैमरा और फिर निकलते हैं। ये हो चुका है रेडी और थोड़ा सा आगे जाते हैं, स्टार्टअप कर ले फिर मैं आता हूँ। 1 2 3 She got a body, ay, and she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cali J's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earning. Give me top every night lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scary. Ooh, right beside me, in the Phantom off that Molly. Yeah, yeah, Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scary. Ooh, right beside me, in the Phantom off that Molly. Yeah, yeah. तो गाइस जैसे कि तय था अनस हार चुका है, और अब वो सामने सामने चल रहा है,
और पास में आ ही नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई बड़ा आदमी रहता ना तो शायद मेरी टक्कर हो जाती है। अब ये बच्चे ही है और थक भी गया था ये वहाँ से आते तक, तो फिर ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं थी, तो फिर भी हाथ जीतना था वो जीत गया हूँ। और नेक्स्ट टाइम करेंगे, कोई बड़ा मिलेगा तो उसके साथ करके देखेंगे उससे जीत पाता हूँ या फिर नहीं जीत पाता हूँ। तो अभी तो अनस हार गया। तो गाइस ये है अनस का फ्यूचर बड़ा रूप, सेम टी शर्ट। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न घर की ओर, हो गई हमारी राइड वगैरह। अभी तो सूरज भी निकला लेकिन फिर भी हो गई है, आज के लिए इतना ही है। तो निकलते हैं वापस रिटर्न और पब्लिक रिएक्शन तो शायद ही मिलेगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कोई पब्लिक बाहर निकलेगी तभी मिलेगा ना। चलते हैं वाइड एंगल में। तो गाइस यार मुझे जो है स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत जल्दी थकान हो रही है। तो स्केटिंग स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, डेली इसके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या फिर स्केटिंग करते रहूँगा तब भी बढ़ी जाएगा। तो आज पता चल चुका है कुछ स्टेमिना है नहीं मेरा। और सिटी राइड के लिए निकलूँगा तो फिर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाऊँगा वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा खुद पे और फिर करेंगे सिटी स्केटिंग। यार आज तो बस नॉर्मली स्केटिंग करने के हिसाब से गया था मैं, ज़्यादा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि सिटी स्केटिंग या फिर पब्लिक रिएक्शन वगैरह लूँ मैं। पूरे स्केट की वाट लगने वाली, ये भूख रहा था ना, यही भूख रहा था भागा। अरे आ रहा, अरे काटता तो नहीं, पैर फिसल रहे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं मल्टी के नीचे और अनस करेगा उसके साइकिल को पार्क और हो गया हमारी आज की राइड। बाय बाय।